जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये हिसाब से आप देख सकते हो, पार्ट वी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें आपका जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी शामिल है, मैं सॉल्व करवाया हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपके एसएससी जीडी के 2018 के प्रीवियस ईयर के पेपर, 2020 के और 2022 के आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। डेली के दो प्रीवियस ईयर के पेपर आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यह रहा आपका जीके जीएस का पहला प्रश्न। सुल्तान जोहोर कप किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका जो सुल्तान जोहोर कप है, यह आपका हॉकी खेल से संबंधित है। किस खेल से? हॉकी खेल से। तो ऑप्शन टू बिल्कुल आपका सही रहने वाला है। इसके अलावा एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, हॉकी तो ठीक है, आपका जितना भी खेल कूद है और उनसे संबंधित जो भी आपको अवार्ड मिले हैं खिलाड़ियों को, या कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो आपका जो खेल कूद का जो पूरा आपका चैप्टर है, यहाँ से आपके 3 से 4 प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आपका खेल कूद का चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। प्रीवियस ईयर का पेपर लगाने का फायदा तो यही होता है ना कि पता चल जाता है किस लेवल के आपके प्रश्न पूछ जा रहे हैं, किस किस टॉपिक से पूछ जा रहे हैं। क्योंकि जीके जीएस ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितना भी पढ़ लो फिर भी कवर नहीं कर पाओगे, लेकिन अच्छे टॉपिक आपको पता होंगे तो आप आसानी से कवर कर लोगे। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? तो कौन सी है और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कार्टजाइट। क्या नाम है? कार्टजाइट। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा, कार्टजाइट एक आपकी कायांतरित चट्टान है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है पॉलिटी से, पढ़ेंगे प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा इसको इस साइड कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ नजर आ पाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से कोई आपका एक मौलिक कर्तव्य है, तो कौन सा है? तो आप ऑप्शन 4 देखेंगे, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 4 जो है वो आपका एक मौलिक कर्तव्य है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यही प्रश्न पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य कौन है। तो भैया अगला प्रश्न आपका इंग्लिश में उसने दे दिया है, तो इंग्लिश से ट्रांसलेट कर लेना। द डैश ऑफ कंट्री ए मेजर्ड बाई द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इसका राइट आंसर है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। क्या है? इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, जो आपका ऐसा बढ़ता जाता है ना, ऐसे डिब्बे फिर आपके ऐसे बड़े डिब्बे फिर ऐसे बड़े डिब्बे, उसी को आप इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है ना, अर्थव्यवस्था की ऊंचाई बोल सकते हैं। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको ट्रांसलेट कर लेना क्योंकि इंग्लिश में थोड़ी अपन पर नहीं बनता उतना, समझ में आता है थोड़ा बहुत लेकिन उतना नहीं बनता, तो क्यों झूठ बोले, जो आता है तो वही चलाओ। ठीक है, अगला अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन सी है ये आपको बताना है। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के तृतीयक क्षेत्र से आपका भंडारण जो है वो आपका संबंधित है। ठीक है, या भंडारण जो है आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इकोनॉमी में आपके 3 क्षेत्र होते हैं, पहला तो प्राथमिक, द्वितीय और तीसरा आपका तृतीयक। ठीक है, जब आप लूसन की बुक खोलोगे तो आपको पहले इकोनॉमी में यही सब आपको पढ़ाया जाता है, फिर आपका इकोनॉमी का जो पूरा टॉपिक स्टार्ट होता है। देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में सूरमा त्रिपुरा की विधानसभा के सदस्य बने? तो उनका नाम क्या है? तो दोस्तों उनका नाम है स्वप्ना स्वप्ना दास पॉल। क्या नाम है? स्वप्ना दास पॉल। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा।
और त्रिपुरा आपका एक ऐसा राज्य है जो आपका तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो भैया आपका त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, आपका सेवन स्टेट के अंतर्गत आता है पूर्वी राज्य। अगला प्रश्न, अनबुझा चूना कैसे निर्मित होता है? तो आपने हाई स्कूल में अच्छे से पढ़ा होगा, तो ऑप्शन फोर में दिया गया है, तापन पर कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन द्वारा। ठीक है, पढ़ा होगा ये अपने, ठीक है, ये उसमें आपका ये चैप्टर है, हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बिहू को रोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है? तो किस बिहू को, तो दोस्तों बोहाग बिहू को। आपकी त्रिपुरा में तीन प्रकार की बिहू मनाई जाती हैं, लेकिन इसमें चार प्रकार की दी हैं। ठीक है, तो उसने पूछा क्या है कि किस बिहू को रोंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है, तो जो आपकी बोहाग बिहू है इसको ही आपका रोंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही होगा, और आपका SSC GD ही नहीं, जितने भी आपके एग्जाम हो, चाहे वो पुलिस के एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस, UP, कोई भी आपका एग्जाम हो, SSC GD, MTS, CHSL, CGL, CBO, सभी में आपके ऐसे प्रश्न कला और संस्कृति से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको लगता हो ये SSC GD में पूछा गया, SSC GD में तो पूछा ही गया है, आपका MTS में भी ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आपका कला और संस्कृति जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से 5 से 6 प्रश्न तो आपके बनते ही बनते हैं। अगला देखो, तो अगला प्रश्न भी आपका देखो वही कला और संस्कृति से पूछ लिया है, लोक नृत्य चराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों जो आपका चराव है वो आपका मिजोरम राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? मिजोरम राज्य से। तो ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही होगा। ऐसे प्रश्नों को नोट कर लिया करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। अगला प्रश्न शायद इकोनॉमी से है, तो आपका ये सूत्र है, निव्वल मूल बराबर परिसंपत्तियां माइनस देयताएं होता है। क्या होता है? निव्वल मूल बराबर परिसंपत्तियां माइनस देयताएं। ऑप्शन टू बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्यमंत्री का अक्टूबर 2022 में निधन हो गया? तो क्या नाम है उसका? उसका नाम भैया मुलायम सिंह यादव। क्या नाम है? मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी का नेता है। तो ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में कौन से दो सामाजिक समूह हैं जो गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं? तो कौन से मूल हैं वो आपको बताना पड़ेगा। तो वो है आपके SC और ST। कौन है? SC और ST, जो कि आपका गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति यानी ST और SC। ठीक है, अनुसूचित जनजाति होता आपका ST और अनुसूचित जाति होता आपका SC। तो ऑप्शन टू बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश डैश ने उन्हें रोक दिया। तो चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने उनको रोक दिया। किसने? पुलकेशन द्वितीय ने। तो ऑप्शन वन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, समझ में आ रहा होगा कि आपके कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और अगला प्रश्न इकोनॉमी से, 2016 में भारत सरकार द्वारा किन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था? या करंट अफेयर्स भी बोल सकते हैं इसको, इकोनॉमी वाला प्रश्न है। ठीक है, तो किन नोटों का किया गया था? तो दोस्तों 500 और 1000 की नोटों का। किन का? 500 और 1000 की नोटों का 2016 में। ठीक है, तो ऑप्शन थ्री बिल्कुल आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पॉलिटी से, डैश भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से और रोकने के उपाय प्रदान करता है। तो वो कौन सा अधिनियम है? वो है आपका भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। तो ऑप्शन फोर जो होगा बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका जनरल साइंस से, दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो हम दो कथन दिए गए हैं, पहला है
अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये आपका गलत है। दूसरा देखो, अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं, तो भैया ये भी गलत है। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, आंवला क्या है, अम्ल है। ठीक, आंवले में अम्ल पाया जाता है, तो कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, तो ना तो आपका कथन वन सही है, ना तो आपका सेकंड सही है, तो ऑप्शन वन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी, तो कब आई थी यह आपको बताना है। तो यह 1952 में आई थी। कब आई थी, 1952 में, तो ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही होगा। और 1951 में आपका पहली जनगणना, सॉरी पहली जनगणना नहीं, पहली पंचवर्षीय योजना आपकी शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, हीरो इंडियन सुपर लीग जिसको हम ISL बोलते हैं, के उद्घाटन मैच का विजेता ATK था, जो देश में स्थित एक फुटबॉल क्लब है, जो कोलकाता में स्थित, कहाँ पर, जो कोलकाता में स्थित एक फुटबॉल क्लब है, तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, गोपिका वर्मा ने डैश के लिए 2018 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता, तो किसके लिए जीता है, तो उन्होंने मोहिनीअट्टम, किसके लिए, मोहिनीअट्टम जो आपका शास्त्रीय नृत्य है उसके लिए जीता है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, और आपका ऑप्शन फोर सही होगा। इसके अलावा मोहिनीअट्टम जो है आपका किस राज्य का है, ये आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर नाम से पता चल रहा, मणिपुर, और उड़ीसी आपका उड़ीसा का है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु राज्य का है, और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य आपका भरतनाट्यम ही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, वे 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय हैं, यहाँ वे किसे कहा जा रहा है, मतलब 1883 में, सॉरी 1883 नहीं, 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए भाषण, तो किसने ये भाषण दिया था 1893 शिकागो में, तो यह भाषण आपका स्वामी विवेकानंद ने दिया था। किसने दिया था, स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, 1893 में शिकागो में। ठीक है, तो ऑप्शन फोर बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके SSC GD में पूछे गए GK GS के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और मैं फिर से बोलना चाहूँगा दोस्त, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। SSC GD से जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं सब हम सॉल्व करवाएंगे, और जितना भी आपका वैकेंसी वगैरह निकलती है न्यू न्यू नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से, तो उसका भी नोटिफिकेशन आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।